देख रहे हैं आपकी आवाज़। जैसे कि आपको पता है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कटरा एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, बुद्धा स्कूल में पहुंच के वहां जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत सामग्री देंगे। ऐसे में हमारे साथ काफ़ी जो बाढ़ से पीड़ित हैं, जो रोड पे आज एक हफ्ताह से जब से बारिश हो रही है, बाढ़ का पानी बहाव तेज है, जब से इसी रोड पे अपना आशियाना बना रहे हैं, ऐसे में इनकी कोई सुनवाई नहीं है। जो असली बाढ़ पीड़ित हैं वो रोडों पे पड़े हैं, जो वहाँ नकली हैं वहाँ लंच पैकेट लेने के चक्कर में वहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसे में हमारे पास हमारे सामने साथ में है काफ़ी लोग। क्या नाम है अपना चाचा बताइए? सत्यनाम। कौन गाँव ग्राम पंचायत है? ग्राहिमपुर। ग्राहिमपुर में आपके घर डूब चुका है पानी? हाँ बिल्कुल, सब महेश है। पूरा घर पर पानी भरा है? कई दिन से रोड पे? आज हफ्ता तो होने का है। तो आप लोग कहाँ नहीं गए हुआ? योगी जी आवत हैं, आप लोगों से मिले आवत हैं? है? तो हम बचाव कार्य करने के लिए आवत हैं, तो हम लोग सोचना जब प्रधान दे कोई देखिए यहाँ वहाँ चलो तो हम लोग चला जाए सब कोई। जबकि यहाँ तहसील से चंद दूरी पे लोग अपना आशियाना एक हफ्ताह से बना रखे हैं, जब से बाढ़ का पानी आया है। और यहाँ पे योगी जी आ रहे हैं, वहाँ से भी चंद दूरी ही है, एक दो किलोमीटर की दूरी पे आ रहे हैं। जितना प्रशासन गया होगा, हो सकता है कि उनके आँखों के सामने से गया होगा और देखते हुए गए होंगे कि कितने लोग बाढ़ पीड़ित पड़े हुए, लेकिन इनको कोई सूचना न दी गई है न यहाँ ये पहुंच पाएंगे। अपना नाम बताओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित शुक्ला। कौन से ग्राम पंचायत से हो? मोहम्मदपुर राजा। मोहम्मदपुर। आपके घर पर गिरेगा? नहीं, घर नहीं गिरा, लेकिन पानी वानी भर गया। पानी हिला है? हाँ, पूरा नुकसान हो गया। खाने पानी बनाने के लिए है कुछ? कुछ नहीं, खाना पानी के लिए कुछ नहीं। यहाँ कई दिन से हो? अब यहाँ तो हफ्ता दिन हो रहा है। हफ्ता, एक हफ्ता से यहाँ। कहाँ आपका व्यवस्था मिला प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था? व्यवस्था यही मिल रहा, वहाँ जो एक प्रिंसिपल हैं वो स्कूल लगाए हुए हैं। अच्छा। वो तो भोजन दे ही रहे हैं वहाँ से भी? हाँ, जो लोग आते वो तो मतलब जैसे लिफाफे में बांध कर लेकर आते। अच्छा। खाना देते हैं ये? हाँ, कोई नहीं। लेकिन हाँ, जो बारिश गिर रहा था इसका अच्छा, वोग नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, इसी की प्रॉब्लम था। आपके क्या नाम? रामकरण। रामकरण जी, आप कौन से ग्राम पंचायत? हम बिराहिनपुर के हैं। अच्छा। हाँ, आपके घर में पानी घुसा? पानी अतरा तरह भरा, पूरा मोहकर पानी है। अच्छा। हाँ, आप यहाँ कितने दिन से हैं रोड पे? कम से कम 6-7 रोज हो गया। आप आज क्यों नहीं गए वहाँ? भाई वैसे कसके चले, कोई प्रधान हमारे बताओ या कोई बताओ कि चलो तो कहीं मिली तब तो हम लोग जाओ जाए। ऐसे यही रास्ता से गए, लेकिन कोई सांस नहीं लीन है। अच्छा। हम लोग वैसे भैंस आप छोड़ के वैसे दौड़ा घूमी। अच्छा। अरे भाई कुछ कहो कि ये चीजें खाने खाने के लिए कुछ कोनो व्यवस्था नहीं है? अच्छा। छत के ऊपर रहा थे लड़के बच्चे। यहाँ आपको क्या क्या सहयोग मिला? यहाँ बस खाली काम मिला है, यहाँ रहा जब पूरी लेकर हुआ बांटा है। अच्छा। वह है मिला हमें सबका। अच्छा। और कितो प्रिंसिपल साहब के यहाँ दो टाइम खाना मिलत रहा। अच्छा। मुझे कहना जब तक तुम लोग ना जाओ तब तक हमारे यहाँ खाओ। सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा कुछ नहीं आया है, सरकार के द्वारा हमें सबका काम मिला है, कुछ नहीं मिला है आज तक। घर सब में है जो क्लिनिक कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है भोले। अच्छा। हाँ। कौन ग्राम पंचायत? बिराहिमपुर। बिराहिमपुर से हो? हाँ। आपके घर में पानी घुस गया? हमारे घर में पानी घुस गया, घर चलकर आप चेक कर लीजिए। अच्छा, घर में पानी। आप यहाँ कितने दिन से हो? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता से आप यहाँ पे हो, आपको प्रशासन के द्वारा क्या क्या? यहाँ पर प्रशासन देखने तक नहीं आया है। अच्छा। और मिलने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, आज मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं, बाढ़ पीड़ित को कुछ सहायता देंगे, राशन किट देंगे, ऐसे में आपको सूचना मिली थी? कोई नहीं, यहाँ पर सांस तक नहीं लिया है, सूचना की तो बात ही नहीं है। अच्छा। हाँ, और हमारे बीच में काफ़ी लोग हैं, सबसे बात करना चाहेंगे। चाचा जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम प्रेम तिवारी। तिवारी जी, आप कौन से ग्राम पंचायत से हो? ग्राम है तो बिराहिमपुर। अच्छा। मोहम्मदपुर राजा। मोहम्मदपुर राजा से आप हो? आपके घर में पानी घुस गया है? अरे हमारा सप्ताह वाला है। अच्छा। खेत वत सब भरा पड़ा। अच्छा, सब चला गया। ऐसे में आपका सरकार से कुछ मुहैया करावा गया? कुछ ना, ये रोडवा पे यहाँ के दिन से हो? हमें होगा 5-6 रोज। हम ही 5-6 दिन से आप रोड पर काटत हो, ऐसा में प्रशासन के द्वारा कुछ आपका कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं? पैकेट वगैरह जुगाड़ा का? हाँ, पैकेट दिन का है बस, अट्टा है और कुछ अच्छा, नहीं। अभी वहाँ प्राइवेट दिन का है, समाज से? हाँ, समाज से भी खाली, सरकार के तरफ से कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, और लोग हैं? आपके घरे पानी घुस गया है? घर गिर गया, मिट्टी दीवार सब गिर गया। कौन ग्राम पंचायत? मोहम्मदपुर राजा। मोहम्मदपुर राजा के ही हो? का घर गिर गया? कच्चा मकान रहा? पक्का कच्चा मकान? कच्चा मकान वहाँ आपका कोई सहायता मिला? यहाँ रोड पर यहाँ रहा तो कहाँ रहा? ना, हम वहाँ सब यही रोड पर रही थी। दूसरे के घरे? हाँ, दूसरे घर को अर्जेंट रोड पर रहा जाता है। दूसरे घरे? ना, दूसरे घरे चली गए हैं। अच्छा। अब घरे बनावे खाए के लिए कुछ बचा कुछ है? नहीं, सब पानी भरा, हमारे लड़के बच्चे बचा भी सवार होगा। ऐसे में देख लीजिए, जो असली बाढ़ पीड़ित हैं जिनको मिलना चाहिए सहयोग, वो रोडों पे पड़े हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, और वहाँ जो फालतू के वो लोग पहुँच चुके हैं। ऐसे प्रशासन से देखें कि आप देखिए किस तरह से जो चंद दूर मेन रोड पे पड़े हुए हैं इनका भी ध्यान दीजिए।
है, जो जिसका फसल बह गया है आज घर में बांध बनाने खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ऐसे में अब मिलेंगे आपको हम अगली वीडियो में। जय हिंद।